शिक्षार्थियों, योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आपने बहुत सारे योग के प्रैक्टिकल किए हैं और योग अभ्यास में आपने षटकर्म, आपने इसके साथ ही आसन और कई योगिक अभ्यास आपने इस तरह के सीखे। आज हम आसन के पश्चात जो पतंजलि ऋषि के द्वारा, जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने प्राणायाम को चौथे अंग के रूप में आपको बताया है, रखा है, तो उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम साथ ही बताएंगे आपको कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। मेन जो मुख्य रूप से हमें अभ्यास की क्रियाविधि है प्राणायाम की, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। प्राणायाम करने से पूर्व कैसे हमें प्राणायाम शुरू करने चाहिए, उस अभ्यास की हम बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है, ये प्रयोग संख्या नंबर 30, प्राणायाम के पूर्व किए जाने वाले अभ्यास को करने और प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में आप सक्षम होंगे। आज के हमारे इस प्रयोग संख्या का जो उद्देश्य है वो ये है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप जैसे आसन में आप बैठे हैं और जिस तरह की तैयारी आपने की है, उसी तरह से प्राणायाम में भी वही तैयारी करनी होती है। हम दंडासन की अवस्था में मान लीजिए बैठे हुए हैं और हमें ये अभ्यास करना है, तो सबसे पहले दंडासन से हम किसी भी ध्यान वाले आसन यथा सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन या अर्ध पद्मासन में बैठें। ये अर्ध पद्मासन में हम बैठे और धीरे धीरे सुखपूर्वक दोनों नासिका से समान रूप से श्वास लेते हैं, यानी कि जो हमारी श्वसन की क्रिया है वो सामान्य हो, हमारा ध्यान हमारे शरीर पर हो। श्वास लेने के साथ धीरे धीरे पेट को फुलाते जाएं। यह पूरक की क्रिया है और पेट फुलाकर 6 तक मन के अंदर काउंटिंग करें, यानी गिनती करें, श्वास को रोकें 6 तक। तत्पश्चात धीरे धीरे समान भाव से श्वास छोड़ते जाएं, पेट अंदर की ओर, और श्वास छोड़ने के पश्चात फिर पुनः 6 तक काउंटिंग करें और श्वास को फिर रोकें। इसी क्रम को 5 मिनट तक सरलतापूर्वक कीजिए। तो ये आप अपने थ्योरी के जो पाठ्यक्रम में पढ़ भी चुके हैं कि पूरक, रेचक, कुंभक, जो पतंजलि महर्षि ने जो बताया है जिस तरह से, वो हमारा अभ्यास करने से, प्राणायाम का जो अभ्यास है उसके करने से पूर्व ये हमें अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो प्राणायाम के पूर्व किए जाने वाले अभ्यास में ये हम पहले कर लेते हैं। और इस प्रकार जो प्रयोग संख्या 30 है उसका ये हमारा अभ्यास पूरा हो रहा है। सावधानी हमें अवश्य रखनी चाहिए, ध्यान रखें, अभ्यास में कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे और अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित रखने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद होंगी कोमलता के साथ। लाभ की अगर हम बात करें तो प्राणायाम का अभ्यास करने से मन शांत होता है, श्वसन तंत्र को शिथिल करता है, श्वास प्रश्वास के लिए भी लाभदायक है। आइए अब हम इससे अगले अभ्यास पर चलते हैं जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए इसी अवस्था से आइए हम सबसे पहले अपने सीधे हाथ से अपनी जो नॉस्ट्रिल है हमारी, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य स्वर एक तरफ चलता है और चंद्र स्वर एक तरफ चलता है, तो जो हमारी
दाई नासिका है वो सुर स्वर वाली है और बाई नासिका जो है वो चंद स्वर वाली है। तो हम जो हमारे हाथ की विष्णु मुद्रा बनाएंगे, सीधे हाथ से विष्णु मुद्रा बनाते हुए हम अपने हाथ को ऊपर लाएंगे अपने नॉस्ट्रिल के पास धीरे धीरे लाते हुए, और सबसे पहले अपनी उंगली से हम अपनी जो नाक को बंद करेंगे नॉस्ट्रिल को, और राइट नॉस्ट्रिल से हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे। आंखें कोमलता से बंद ही रहेंगी। लंबी गहरी श्वास भरते हुए और अब इसको अंगूठे से बंद कर लेंगे इस नॉस्ट्रिल को, और धीरे से उस उंगली को हटा करके दूसरी साइड से यानी हम अपनी श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक बार पुनः इसी क्रम को इधर से दोहराएंगे, श्वास भरेंगे, और नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरी साइड से श्वास को छोड़ेंगे। तो ये साधारण सा प्राणायाम है, लेकिन जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की विशेष रूप से बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि इस अभ्यास को जो विशेष रूप से यदि हम करते हैं तो बाई नासिका के रंध्र से पहले 8 तक हम गिनती मन में काउंट करके श्वास भरते हैं, फिर मन में 32 गिनती गिनने तक श्वास को अंदर रोकते हैं, और फिर बाई नासिका रंध्र को बंद करके दाई नासिका रंध्र से 16 गिनती मन में गिनते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हैं, और फिर दाहिनी नासिका रंध्र से 8 गिनती गिनने तक श्वास लेते हैं, और फिर 32 गिनती गिनने तक श्वास अंदर रोकते हैं, इसे अंतःकुंभक भी कहते हैं, और फिर बाई नासिका रंध्र से 16 गिनती गिनने तक श्वास छोड़ते हैं। तो अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम एक बार फिर प्रदर्शित करके आपको बताते हैं। हम वापस अपने सही मुद्रा में आ जाते हैं, हाथ नीचे ला करके ज्ञान मुद्रा की स्थिति, आंखें कोमलता से बंद, अनुलोम विलोम की स्थिति अभी जैसे आपको दिखाई थी, अनुलोम विलोम की तरह ही डिफरेंस इतना होगा कि इसे 1/4/2 जो श्वास लेने रोकने और बाहर छोड़ने की जो हमारी क्रिया है वो इस तरह से रहेगी नाड़ी शोधन प्राणायाम में। आइए इस अभ्यास को हम पुनः करते हैं किस तरह से किया जाए। सबसे पहले वही विष्णु मुद्रा बना करके बाई नासिका रंध्र से 8 तक गिनती गिनते हुए श्वास भरें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अब 32 गिनती गिनने तक श्वास को रोके रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। और अब बाई नासिका रंध्र से को बंद करें, दाई नासिका रंध्र से 16 गिनती गिनने तक श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हमारा एक साइड का क्रम हुआ। इसी तरह से सेम दाहिनी नासिका रंध्र से 8 गिनने तक श्वास लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 और अब 32 तक गिनती गिनने तक श्वास अंदर रोके रखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. और अब बाएं नासिका रंध्र से 16 गिनती गिनने तक श्वास छोड़ें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ये हमारा एक क्रम यानी एक चक्र पूरा होता है। वापस धीरे धीरे आ जाइए अपनी ज्ञान मुद्रा में। तो इस तरह से हमारा एक चक्र ये पूरा होता है और हम अपनी क्षमता के अनुसार इस प्राणायाम को जैसे 10 बार 20 बार 25 बार धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाते जाते हैं। इसमें इस चीज़ को भी हम ध्यान रख सकते हैं कि जो काउंटिंग हमने 8 तक की है और उसके पश्चात हमने 32 गिनती गिनने तक रोका, फिर 16 तक धीरे धीरे इसको श्वास को बाहर छोड़ा, तो इसको हम कम भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी की क्षमता श्वास लेने की कम है तो वो 6 तक काउंटिंग कर सकता है या 4 तक काउंटिंग कर सकता है। 4 तक पहले काउंटिंग करते हुए श्वास भरें और उसके पास पश्चात या इसका 4 गुना 16 तक उसको हम रोके रखें और फिर 8 तक धीरे धीरे करके श्वास को बाहर छोड़ें। तो ये हम अपने अनुसार भी इसके श्वास रोकने की जो क्षमता है उसको उसके आधार पर भी कर सकते हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसके लिए ख़ास तौर से जो ध्यान रखने की बात है वो जो हृदय रोगी हैं, उच्च रक्तचाप या मिर्गी समस्या वाले जो लोग हैं वो कुंभक के साथ अभ्यास ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार इस प्राणायाम को करें, यह बहुत आवश्यक है। आइए चलते हैं प्रयोग संख्या 32 पर, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को पूरा करने के पश्चात आप इसको करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सबसे पहले हम स्थिति को देखते हैं, तो सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन किसी में बैठ सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। पीठ सीधा रखते हुए और अपनी स्थिति को ठीक कर लेते हैं। शीतली में शीतकार की आवाज़ करते हुए इस तरह से अपने आपको प्रदर्शित करेंगे जैसे कि सी की आवाज़ भी वायु को अंदर खींचते हुए निकलती रहे। आइए प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा की स्थिति, कोमलता से आंखें बंद करते हुए अपने मुख को, दोनों होठों को इस तरह से, जिस तरह से एक नलिका होती है, जिभ्या से स्थिति को बनाते हुए, वेरी गुड। इस स्थिति में धीरे से वायु को अंदर खींचते हुए सी की आवाज़ के साथ, जब तक सुखपूर्वक श्वास रोक सकते हैं रोके रखें और तत्पश्चात दोनों नासिका रंध्रों से यानी नोस्टिल से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। एक बार पुनः करेंगे। श्वास अंदर भरें क्षमता के अनुसार
रोक के रखें। तत्पश्चात दोनों नोस्टिल्स से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। तो ये है शीतली प्राणायाम, और 15 से 30 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है प्रतिदिन। शीतली प्राणायाम से शरीर के अंदर शीतलता आती है, तो खास तौर से गर्मियों में इसका अभ्यास बहुत लाभदायक होता है, ठंड में इसको नहीं किया जाता। सावधानियां: अभ्यास निम्न रक्तचाप, श्वसन संबंधी रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या वाले लोगों को नहीं करना चाहिए, और अभ्यास जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की बात है। आइए शीतकारी का अभ्यास करते हैं। शीतकारी प्राणायाम: ज्ञान मुद्रा की स्थिति, पद्मासन में बैठे हुए। पद्मासन की स्थिति से हम अब शीतकारी में जो हमारा प्राणायाम है उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। अभ्यास के लिए दोनों आंखें कोमलता से बंद करें, अपने आप में स्थित हों, होंठ खोल करके दोनों दांतों के जबड़े आपस में मिलाते हुए और बाहर से सी की आवाज करते हुए वायु को अंदर भरते हुए। श्वास भरने के पश्चात क्षमता के अनुसार जालंधर बंध लगाते हुए उड्डयन बंध, जालंधर बंध, कुंभक की स्थिति, क्षमता के अनुसार श्वास रोकें। तत्पश्चात बंध को धीरे धीरे खोलते हुए गर्दन ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। यही अभ्यास 3 बार कम से कम दोहराएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपनी क्षमता का विशेष ध्यान रखें। योग में खास तौर से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि आप सभी जो भी अभ्यास करें उसमें अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। हाँ, ये बात ठीक है कि अभ्यास करने के लिए जैसे जैसे आप अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे आपकी क्षमता निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी, लेकिन एक ही दिन में क्षमता से अधिक कोई अभ्यास बिल्कुल ना करें। आइए यहां से आगे हम अब अगले अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। धीरे से दोनों आंखें खोलते हैं, यदि आप थोड़ा सा विश्राम चाहते हैं तो आप पद्मासन की बजाय अपने किसी दूसरे आसन में भी आ सकते हैं।
सुखासन या फिर दंडासन, अपनी रुचि के अनुसार। सामान्य श्वास प्रयोग संख्या 33, भ्रामरी प्राणायाम। आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इस प्राणायाम को करने के पश्चात आप इसे प्रदर्शित करने और निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे, ये उद्देश्य है। और आपकी जो स्थिति है, दंडासन की स्थिति है, इस स्थिति से इस प्राणायाम को करने के लिए पद्मासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन किसी में भी आते हुए और कोमलता से आंखें बंद करते हुए ज्ञान मुद्रा से दोनों हाथों की तर्जनी ऊपर लाते हुए अपने अंगूठों से दोनों कानों को बंद करते हुए और दोनों हाथों की उंगलियों से अपने चेहरे को इस प्रकार कवर करते हुए फर्स्ट फिंगर लगभग आईब्रो के आसपास, सेकंड फिंगर उससे थोड़ा नीचे, थर्ड फिंगर नोस्टिल के आसपास और फोर्थ फिंगर लास्ट फिंगर आपके नीचे की ओर। ऐसी स्थिति भौरे जैसा गुंजन इसमें करना है। दोनों नासिका रंध्रों से पूरा लंबा गहरा पूरक करें, श्वास भरें। बिल्कुल भौरे जैसा गुंजन आप अनुभव करें, जैसे किसी बाग में या खिलते हुए पुष्पों के ऊपर कोई भौरा गुंजन कर रहा हो, भौरे जैसा गुंजन। इस गुंजन को अपने अंदर महसूस करें, इसके प्रभाव को महसूस करें। पुनः श्वास भरें, फिर गुंजन करें। इसी क्रम को 5 से 10 बार 15 बार भी कर सकते हैं। अंत में दोनों नासिका रंध्रों से पूरक करें, यथाशक्ति अंतः कुंभक करें और धीरे धीरे रेचक करें। रेचक करने के पश्चात धीरे से ज्ञान मुद्रा में वापस धीरे से आंखें खोलें। तो ये भ्रामरी प्राणायाम है। जिन्हें कान का संक्रमण हो वे इस प्राणायाम को बिल्कुल ना करें। जो अंतःमुखी स्वभाव के हैं वे उज्जायी प्राणायाम भी ना करें और भ्रामरी प्राणायाम भी ना करें। प्राणायाम करने में जल्दबाजी ना करें, ये विशेष रूप से इंस्ट्रक्शंस होते हैं सावधानियाँ रखने के लिए। और ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी प्राणायाम है। जिन्हें नींद ना आती है या नींद की समस्या बनी हुई है उनके लिए तो ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। जो हमारे शरीर को शिथिल और मन को भी शांत करता है, यानी जिनके लिए बेचैनी रहती है, मन नहीं लगता है, तो उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। साथ ही कान, नाक, गले से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं
उनमें भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। यानी नाक, गला, कान से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनमें इसका लाभ मिलता है। उच्च रक्तचाप या जो एसिडिटी जिनको होती है उसको भी कम करने में ये सहायक है। खासतौर से जो उच्च रक्तचाप वाले रोगी हैं उनके लिए भी ये विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि उनके रक्तचाप को सामान्य करता है। तो यदि अवलोकन की हम बात करें तो 4 सप्ताह तक इस प्राणायाम को हम करें तो उसका प्रभाव हमें देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। ये इस प्राणायाम के लाभ है। आइए अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं, जिसका नाम है भस्त्र का प्राणायाम। भस्त्र का प्राणायाम करने के लिए हम किसी भी, जैसे सुखासन, पद्मासन, जैसा कि बताया गया है, किसी भी ध्यानस्थ आसन में हम बैठते हैं। और इस अभ्यास को करने के लिए इसमें कई बार इस तरह की गलती हो जाती है कि कुछ लोग इसको जैसे नाम से भी थोड़ा सा डिफेंस हम जान समझ सकते हैं, भस्त्रिका, भ्रामरी और कपालभाति, इनमें बिल्कुल अलग अलग डिफेंस है और तीनों ही अलग हैं। भस्त्रिका और कपालभाति को कई बार लोग एक जैसा करने लगते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम पहले बताते हैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में कि किस प्रकार इसको किया जाता है, अभ्यास करने की विधि। हम ज्ञान मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार अपने आप में स्थित होते हुए दोनों आँखों को कोमलता से बंद करते हुए इस प्रकार श्वास भरें कि श्वास भरने के पश्चात 10 से 15 बार श्वास लें और जल्दी जल्दी छोड़ें। जैसे कि लोहार की धौकनी चलती है, नासिका से ही श्वास भरेंगे और नासिका से ही श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ने में और श्वास लेने में हमारे पेट की स्थिति दिखाई देती रहेगी। श्वास छोड़ने में हल्की सी आवाज आती हुई, श्वास लेने और छोड़ने के क्रम को तीव्रता से बनाए रखें, क्षमता के अनुसार करें और अंतिम रेचक के बाद लंबा गहरा श्वास लें और सुखपूर्वक धीरे धीरे छोड़ें। भस्त्रिका की यह एक आवृत्ति है। यह बहुत ही उच्च श्रेणी का प्राणायाम है, जिसको करने के पश्चात शरीर में गर्मी उत्पन्न होने लगती है। सबसे पहले हम सावधानियों की बात करते हैं। हृदय रोग जिनको है या उच्च रक्तचाप जिनको है, वो इस प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल ना करें। अभ्यास के दौरान यह चक्कर आते हैं या पसीने आने लगते हैं तो इसका तात्पर्य है कि अभ्यास सही ढंग से नहीं हो रहा है। अभ्यास बंद करना चाहिए और अपने योग टीचर या उसका जो इंस्ट्रक्टर है उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। अधिक तापमान की स्थिति में भी इसे ना करें। अभ्यास के दौरान चेहरे की पेशियों को सामान्य बनाए रखें, क्षमता के अनुसार करें। जैसा कि बताया कि ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। शरीर के जो विषाक्त तत्व हैं जिनके कारण शरीर बीमार हो जाता है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन विषाक्त तत्वों को यह जला देता है, पेट की चर्बी कम करता है, कफ रोग के उपचार में सहायक है, चयापचय की क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से बनाए रखता है। दमा, फेफड़े के रोगी, उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। धीरे से आंखें खुलते हुए सामान्य स्थिति। शिक्षार्थियों, प्रयोग संख्या 35 की बात करते हैं, जो है मुद्रा।
और मुद्रा के विषय में आप थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर कुछ हस्त मुद्राओं के अभ्यास को आपको कराने जा रहे हैं, जिनको करने के पश्चात आप इनको करने में सक्षम होंगे। आप किसी स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति से आप सबसे पहले सुखासन, पद्मासन या किसी भी ध्यानस्थ आसन में आएंगे। ध्यानस्थ आसन में आने के पश्चात अपनी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे। जैसा कि आप अभी प्राणायाम के अभ्यास में सीख चुके हैं, सबसे पहले सामान्य श्वास प्रश्वास और सबसे पहले, जैसा कि अक्सर प्राणायाम करने में हम ज्ञान मुद्रा का ही प्रयोग करते हैं, तो ज्ञान मुद्रा में किस तरह से ज्ञान मुद्रा लगाई जाती है इस बात को हम जानते हैं। ज्ञान मुद्रा के लिए दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को आपस में मिला लें। दोनों हाथों के अंगूठे तर्जनी को, जो उसका अग्रभाग है, उसको मिलाएं। ये स्थिति ज्ञान मुद्रा है। इस मुद्रा में आप अपने प्राणायाम को करते हुए, किसी ध्यानात्मक आसन को करते हुए या ध्यान की स्थिति में कोमलता से आंखें बंद करते हुए, मन को शांत करते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए, धारणा, ध्यान और समाधि। कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसमें लोग समाधि तक चले जाते हैं, तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा की स्थिति है, जिसमें एक बड़ा सुकून, आनंद की अनुभूति हमको होती है और स्मरण शक्ति हमारी इससे बढ़ती है, मन मजबूत होता है, मन का जो इधर उधर चंचलता है, जाना आना है, वो भी रुक जाता है। वापस आइए धीरे से आंखें खोलते हुए। अब हम वायु मुद्रा पर आते हैं। वायु मुद्रा के लिए तर्जनी अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाकर, तर्जनी अंगुली उसको अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाएं, अंगूठे की जड़ में लगाएं। अंगूठे से दबाएं, इस प्रकार कुछ समय तक बैठे रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। धीरे से आंखें बंद करें, चित्त और मन को शांत करें। इस मुद्रा में बैठने से जिनको वायु रोग है, गठिया है, कंपन है, लकवा है, इस तरह के जो दर्द हैं, निश्चित रूप से वो ठीक होते हैं। योग में कहा जाता है जो कार्य बड़े बड़े आसनों से मुश्किल से होते हैं या फिर जो आसन करने की क्षमता में नहीं है, वो इन मुद्राओं के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये वायु मुद्रा, जैसा कि नाम है, आइए वापस आते हैं स्थिति सामान्य, धीरे से आंखें खोलते हुए। सूर्य मुद्रा के लिए हमारी जो अनामिका उंगली है, अनामिका यानी थर्ड वाली जो फिंगर है, अंगूठे के जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाएं। थर्ड नंबर की फिंगर
अंगूठे की जड़ में लगाएं और उसे अंगूठे से दबाएं। इस प्रकार कुछ समय तक बैठें, आंखें बंद, मन और चित्त शांत, ध्यानस्थ अवस्था। ये सूर्य मुद्रा है। यदि इस मुद्रा में लगातार एक लंबे समय तक बैठा जाता है तो जिन लोगों को मोटापा है, भारीपन है, वो इससे निश्चित रूप से दूर होता है। उनके लिए खासतौर से ये बहुत ही लाभकारी है। धीरे से वापस आए, आंखें खोलते हुए स्थिति सामान्य, श्वास की गति श्वास सामान्य। आइए लिंग मुद्रा की ओर चलते हैं। लिंग मुद्रा, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर फंसाकर बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखें, बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखें। कुछ समय तक शांत, धीरे से आंखें बंद करते हुए मन को, चित्त को शांत करते हुए। इस मुद्रा का लाभ है कि सर्दी के रोग में, खासतौर से नजला जुकाम के जो विकार होते हैं, वो इससे दूर होते हैं। सामान्य स्थिति में आते हैं, आंखें खुलते हुए वापस आ जाएं। पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा के लिए अनामिका और अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिलाएं। अनामिका अंगुष्ठ दोनों के अग्रभाग को मिलाएं। कुछ समय तक शांत बैठें, आंखें बंद, मन चित्त शांत। दुबले पतले व्यक्ति के लिए कांति और तेज की कमी में ये लाभ देता है। संकुचित विचारों में परिवर्तन लाता है। सामान्य स्थिति, आइए प्राण मुद्रा की बात करते हैं। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा के लिए अपनी कनिष्ठ एवं अनामिका, कनिष्ठ एवं अनामिका दोनों को मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करें। इस प्रकार कुछ समय बैठें, शांत, आंखें बंद, शरीर शारीरिक मानसिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी बीमारी आक्रमण नहीं कर सकती, अर्थात इम्यूनिटी की पावर बढ़ती है। रक्त संचार उन्नत होकर के रक्त नलिकाओं की रुकावट को दूर करता है। तन मन में स्फूर्ति आशा उत्साह प्रदान करता है। नेत्र दोष भी दूर होते हैं। प्राण मुद्रा इस तरह से काफी लाभकारी है। नेक्स्ट, धीरे से सामान्य स्थिति में आते हुए अपान मुद्रा, अपान मुद्रा में आते हैं। इसमें मध्यमा एवं अनामिका को एक साथ मिलाकर, मध्यमा और अनामिका को एक साथ मिलाकर मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करें। कुछ समय शांत होकर के बैठे। उदर की वायु को कम करता है, या दर्द है तो उसको दूर करता है, पेट से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। सामान्य स्थिति में आते हुए नेक्स्ट, शून्य मुद्रा,
शून्य मुद्रा में मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगूठे से दबाएं। मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगूठे से दबाएं। कुछ समय शांत मन के साथ बैठें। यह कान के दर्द में काफी लाभकारी है। निरंतर अभ्यास करने से कान के रोग दूर होते हैं और जिनको जन्म से भी सुनने में समस्या है उनके लिए भी, जब इसकी हम बात करें तो थोड़ा बहुत कहीं असर उन पर भी हो सकता है। सामान्य स्थिति, हृदय मुद्रा की हम बात करते हैं। हृदय मुद्रा, तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर लगा दें। तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर लगा दें और तब छोटी अंगुली को छोड़कर बाकी दोनों उंगलियों को अंगूठे से छुआ दें। इस प्रकार कुछ समय तक बैठें। ये हृदय मुद्रा है। खास तौर से जैसा कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, यह मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है, क्योंकि दिल के दौरा पड़ने के दौरान यह इंजेक्शन की भांति काम करती है। इसका नियमित अभ्यास यदि किया जाए तो हृदय के रोग को ठीक किया जा सकता है। सामान्य स्थिति, और अब वरुण मुद्रा के लिए सबसे छोटी उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिलाएं। सबसे छोटी उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिलाएं। इस प्रकार कुछ समय तक बैठे रहें। हर मुद्रा में स्थिति वही, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, चित्त शांत, ध्यानस्थ स्थिति। इसके अभ्यास से शरीर में जल तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले सभी रोग दूर होते हैं। त्वचा एवं रक्त विकास होता है और इसके विकार जो है वो दूर होते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुद्राओं की हमने बात की। सामान्य स्थिति में आते हुए अपने आप को सामान्य करें, धीरे से आंखें खोलें। मुख्य रूप से 10 मुद्राओं की हमने बातचीत की। ये बहुत ही आवश्यक है कि जब हमें समय मिलता है तो हम मुद्राओं को ऐसे समय में भी कर सकते हैं जहां कहीं कोई हम काम कर रहे हैं, बैठे हैं, ऐसी स्थिति में हम इनको कर सकते हैं। नेत्रों को बंद रखने की आवश्यकता होगी, मन को और चित्त को शांत रखना आवश्यक होगा।